माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया था और एरर्स के टाइप भी बता दिए थे, थ्योरेटिकल वाले जैसे सिस्टमेटिक एरर्स कंप्लीट कर लिया था, रैंडम एरर्स वाले के बारे में बात कर ली थी बच्चों। उन दोनों कंप्लीट करने के बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ऑल्सो। बच्चों अब जो न्यूमेरिकल पेपर में आता है उसमें एरर्स को ना क्वांटिटेटिव फॉर्म में पूछता है, मतलब वी नीड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। We have three topics in our syllabus जिनका नाम है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। इन तीनों को क्वेश्चन क्लब करके पूछा जाएगा या एक साथ पूछ लेंगे या इनके डेरिवेशन आ जाएंगे। सो बी वेरी कंसंट्रेट, है ना, दिमाग से अच्छे से पढ़ना और तीनों के तीनों को मैं भी प्रूव करके आपको देता हूँ। इन तीनों को ही पढ़ने के लिए बच्चों आपको एक मीन वैल्यू या उस ट्रू वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में लास्ट सेक्शन में बहुत बार बातें कर चुके थे अपन लोग। फॉर इंस्टेंस अगर बच्चों में इसको एग्जांपल से ही लेना शुरू करूं, है ना, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास क्या है बच्चों, एक लेंथ है, ठीक है। एल को बच्चों आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था कि सर ये इसकी ट्रू वैल्यू है और मैंने ही आपको समझाने के लिए बोल दिया था कि ये भगवान जी वाली वैल्यू होती है। अरे भाई भगवान जी आके थोड़ी देखे चले जाएंगे इसकी वैल्यू, ये एक ना एक इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू होगी जिसको आप कहीं कहीं बुक्स में एक्यूरेट वैल्यू के नाम से भी लिखा देखोगे। तो इफ आई राइट ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू वन एंड द सेम थिंग, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये भी तो पता होना चाहिए कितना आ रहा है। सोचो ना एक बार रिवर्स में सोचो, मैंने कहा था कि भगवान जी वाली वैल्यू है, कहा था, एडमिटेड, वो पढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको एल कितना है ये भी पता होना चाहिए ना। हरी बात समझ में। हम क्या करते हैं बच्चों, लैब में जब जाते हैं तो ग्रुप वगैरह बना के एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करने को बोलता है हमको लैब असिस्टेंट वाले सर। हम बोलते हैं ये क्या पागल बना रहे हैं अपन को यार, बार बार एक ही चीज करवाते रहते हैं। तो जो इतना भी थोड़ा बहुत फर्क आता है ना आपकी रीडिंग में बच्चों, वो जो थोड़ा बहुत जो माइनस डिफरेंस होता है वो आपको उतना ही क्लोज लेके जा रहा होता है उसकी खुद की एक्चुअल वैल्यू पे। नहीं आया? अरे भाई रैंडम वैल्यूज जो मिल रही होंगी आपको, थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर मिल रही, मतलब थोड़ी पॉजिटिव मिल रही होगी, थोड़ी नेगेटिव मिल रही होगी। तो देखो सर का कहने का ये मतलब है इसको मेजर करोगे तो बच्चों आगे निकल जाओगे या थोड़ा पीछे रह जाओगे। ये हो गया बच्चों थोड़ा आपका, ये हो गया डेल्टा एल पॉजिटिव का और ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा एल। ये जो थोड़ा थोड़ा करके वेरिएशन मिलता जाएगा हर एक बच्चे की रीडिंग में, उस वेरिएशन की हेल्प से अपन और ज़्यादा क्लोज पहुँच जाते हैं अपने रियल आंसर के। तो देखो मुझे एल भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन लैब में जाकर एल डैश कितना आया है ये तो मालूम चल जाता है। और मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों कि पांच बच्चे थे मेरे पास और ये रहे मेरे फाइव ऑब्जर्वेशंस। मान लो मेरे पास पांच बच्चे थे और ये उनके फाइव ऑब्जर्वेशंस हो गए। मान लो ये फर्स्ट बच्चे का ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड बच्चे का बच्चों, ये थर्ड, ये फोर्थ बच्चा है और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये इन पांचों ने इसे मेजर किया है, थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। हाँ यार ऑब्जर्व वैल्यू है, मतलब स्केल पे जाएंगे थोड़े बहुत फर्क आएगा। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू गाइस, मान लो थोड़ी देर के लिए ये आ रहा है बच्चों 8.80, 8.82, ऐसे करते करते ये 8.90 तक कहीं ना कहीं मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। 86 कर लो, 8.84 कर लो, ठीक है। अब ये पांचों के पांचों आपके क्या हैं, ऑब्जर्वेशन है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है और ना ही ये है, इनमें से कुछ नहीं है, हो सकता है एक आध पड़ जाए गलती से। तो ये मान के चलो कि जो एक्चुअल मेरा आंसर था आपका ऑब्जर्वेशन उसके आगे भी आया है और उसके पीछे भी गया है, विच मीन्स यू कैन जस्ट से कि सर जो मेरा रियल आंसर होगा ना वो इन दोनों के ही रैंडमाइज कहीं ना कहीं यहाँ कहीं बीच में ऐसा पड़ा होगा। ये मेरी हो जाएगी बच्चों एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज वॉट मैथमेटिकली ये मांगता है कि अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्चुअल, आई कैन राइट एक्चुअल वैल्यू। द बेस्ट थिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस पेज कि बच्चों रैंडम में से कोई एक, उनमें से कोई एक नहीं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह आंसर आ रहा होगा। द बेस्ट थिंग वी, द बेस्ट प्रैक्टिस वी अडॉप्ट इज, हम क्या करते हैं बच्चों उस एल का मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो पांच है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। L1 लिखूंगा मैं, L2 लिखूंगा प्यारे बच्चों, L3, सिमिलरली आई विल राइट L4, देन L5 डिवाइड बाय 5। तो ये जो आपका L का मीन आ रहा है ना, ये लास्ट लेक्चर का भगवान जी वाला वैल्यू है। तो इसको बोल देना सर ये आपका ट्रू वैल्यू आ चुका है,
Now you we can proceed further to find out this, this and this. आ रही बात समझ में? जितने भी ऑब्जर्वेशन हो बच्चे आपके, आप उसका मीन ले लो, वो उसको बोलते हैं अपन मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा, बट लॉजिक समझो कि क्यों करा सबने मीन, क्योंकि मुझे कोई बताने नहीं आया था कि एल कितना होता है ट्रू वैल्यू। तब ना जाकर के आपने लास्ट क्लास की कोई बात लिख पाओगे आप कि सर एल का डैश होता है पुराना वाला एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अरे भैया ये निकल जाता है यहाँ से, ये मिल जाता है, उसके पहले ये तो पता होना चाहिए ना मुझे। बिफोर डूइंग एनी थिंग आई शुड नो कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, तब तो बता पाऊंगा कि तुम्हारा आंसर इससे प्लस आया है इससे नेगेटिव में आ रहा है नहीं आया। बच्चों सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक का कंप्लीट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके वीडियो, अपन आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको पहले मीन वैल्यू बताऊंगा, उसके बाद ही सारी बातें करेंगे। एग्जाम्पल मस्ट हैव बीन क्लियर आई गेस, नहीं आया तो कमेंट में डाल दिया करो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू ऑल्सो। ओके सो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो ऑल राइट बच्चों, हमें पढ़ना है मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। इसका फंडामेंटल लॉजिक मैं बता चुका हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, लेट अस से ये, तो इसके पास खुद की एक ट्रू वैल्यू होगी जिसको बच्चों आपको मीन वैल्यू बोलना होगा, ठीक है? इसको बच्चे कई बार मेजरमेंट करेंगे तो लिख सकते हो लेट ए वन, ठीक है, ए टू, ए थ्री, करते करते बच्चों ए एन बी द, यू कैन राइट, सीधा सीधा लिख देना बच्चों, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना बच्चों, क्वांटिटी। अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे मीन निकालना है, तो सीधी सीधी बात ये बन जाएगी कि अपन लिख सकते हैं ए मीन मस्ट हैव बीन इक्वल्स टू ए वन, लिखोगे बच्चों ए टू, जनरली चार या पांच का क्वेश्चन आता है, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू से करते करते बच्चों अपन चल के जाएंगे लास्ट ऑब्जर्वेशन तक, इसको एन बना देना और अगली लाइन में ये लिख डालो बटर बच्चों, ए मीन बराबर ए का ट्रू वैल्यू। ये बच्चों आपको अग्री करना पड़ेगा बिफोर मूविंग फर्दर। तो ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, इसके लिए लॉजिक आपको बताता हूँ, वो लॉजिक भी लिख डालो बच्चों आप लोग। द प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना, वाइवा में पूछ सकता है टीचर परेशान करने के लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव एरर इज इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल लाइन आज के लेक्चर की, मतलब इसको मेजर करने जाएंगे तो प्लस डेल्टा एल भी आ सकता है और मेजर करने जाओगे तो माइनस में डेल्टा एल भी आ सकता है, तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और बेस्ट थिंग टू राइट मीन ले डालो। कोई पूछेगा भाई मीन क्यों लेते हैं, ये आंसर करना, हम इसलिए लेते हैं भैया कि प्लस भी आ रहा है मेरा आंसर, नेगेटिव भी आ रहा है और मेरा मीन वहीं कहीं होगा, मतलब मेरा ट्रू वैल्यू वहीं कहीं होगा। सो द ट्रू वैल्यू इज ऑलवेज दिस इज, ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों, फटाफट एब्सोल्यूट एरर्स को कंप्लीट कर लो, बात वहीं से शुरू होगी, पहले आपको मीन निकालना होगा। एग्जाम में आ सकता है कि हमारे पास टाइम पीरियड मिल सकते हैं कई सारे, टी वन टी टू से लेकर के मान लो टी एन तक हो सकता है, कोई क्वेश्चन में मान लो बच्चों आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकता है कई बार, एन वन एन टू से लेकर एन एन तक, कोई भी चीज़, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी सुना है अपन ने आज तक, वो सब में एरर हो सकता है। तो मैं कोई आर्बिट्री क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ, तो लिख लेते हैं लेट, ठीक है, ए वन ए टू से लेकर के प्यारे बच्चों ए एन बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एन आर्बिट्री, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है बच्चों एग्जाम में, टाइम एन सब पे आ सकता है क्वेश्चन, ऑफ एन आर्बिट्री क्वांटिटी, इस पे मत घबराया करो, बड़ा ही आसान है। द फर्स्ट थिंग यू पीपल गोना डू इज, आप सबसे पहले उसका ना ट्रू वैल्यू फाइंड करोगे। तो ट्रू वैल्यू तो थ्योरेटिकली बोलने में अच्छा लगता है, आपको करना कुछ ना, आपको मीन निकालना है। तो ट्रू वैल्यू के आगे ऐसा कर लो और निकाल लो ए का मीन। ए का मीन कैसे आएगा बच्चों,
अभी 10 सेकंड पहले मैंने आपको बताया आपको कुछ नहीं करना है, A1 लिखना है या फिर A2 लिखना है, ऐसे करते करते कहां तक चल के जाओगे आप लोग, AN तक, होल डिवाइड बाय बच्चों N कर देना, इसको बस आप बॉक्स पर डाल लो और यही वैल्यू बच्चों आपकी क्या बन गई है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे बच्चों अलग अलग रैंडम वैल्यू से मुझे क्या मिल गया, मीन मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि जो 10 बच्चे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, 25 कर रहे हैं, जितने बच्चे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन सबका इंडिविजुअल एरर कितना है ये पता कर लूं। तो अगर आप थ्योरेटिकली पीछे फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को तो सीधा सीधा बोल सकते हो सर, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया बच्चों, सेकेंड स्टेप ये रहा, बड़ा इजी है करना सॉल्व इसको। सो लिखेंगे इंडिविजुअल एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स, इंडिविजुअल एरर्स ऑफ मेजरमेंट, आप समझो अलग अलग बच्चे का जो एरर आएगा वो कैसे आएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरर का बच्चों, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। मान लो जो ऑब्जर्व वैल्यू एल डैश थी मेरे पास वो बराबर कितना आ रही थी बच्चों, एल प्लस माइनस डेल्टा एल मिल रहा था, तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डैश माइनस एल। अगर आप इसी लॉजिक से चलकर जाते हो तो क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए कितना हो जाएगा, ये है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, तो इसको लेना a डैश और ये रही बच्चों आपकी ट्रू वैल्यू। इतनी बात समझ के देखो सर ने क्या लिखा है वहां पे, पुरानी बात नहीं चल रही है, जो एरर्स में टॉपिक पढ़ाया गया है ना बच्चों ये वही लिखा हुआ है डेल्टा a a डैश माइनस a मीन, तो यहां पर उसको आप अलग-अलग बच्चे के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, ये हो जाएगा प्लस ऑफ डेल्टा 1 मतलब पहले बच्चे का एरर, ये हो जाएगा उसमें से फर्स्ट वाले का, देखो वहां लिखा है a डैश माइनस a मीन, तो आप a डैश माइनस या a1 की वैल्यू जो उसने मेजर करी है वो हो जाएगी माइनस ऑफ a मीन। ठीक है, जो सेकंड बच्चे का होगा वो क्या करोगे बच्चों, वो हो जाएगा आपका a2 माइनस ऑफ बोलते जाओ a मीन, ऐसे करते करते जो लास्ट बच्चा आपके पास होगा बच्चों उसके बारे में हो जाएगा, तो हो जाएगा an माइनस ऑफ a मीन। इतना बात समझ में आया, अब डाउट आएगा कि सर आपने तो कहा था कि मेजरमेंट में आगे भी जाता है मेजरमेंट और पीछे भी जाता है, तो मेरा तो आंसर एक बार प्लस भी आ सकता है एक बार माइनस भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ज्यादा तो ये प्लस आएगा, कम कर रहा हूँ तो ये माइनस आएगा, इसलिए अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए बच्चों में क्या करता हूँ यहाँ पर मॉड लगा लेता हूँ, बस अपना तो काम ही हो गया, और इस एंड पे बच्चों अपने मॉड लग जाएगा तो प्लस माइनस से उसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो इंडिविजुअल एरर्स आपको दिख रहे हैं ना ये क्या, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये इंडिविजुअल एरर्स ऑफ मेजरमेंट है, तो ये इसको बोल सकते हो इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक, अब अगर सोचो एक बारी बच्चों इन सब का अगर मैंने मीन ले लिया बाद में तो ये क्या होगा, हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, और वही आपका आंसर लिखा हुआ है तो लिख डालो फटाफट, देयरफोर जो आपका आंसर आना चाहिए मीन एब्सोल्यूट, ठीक है, और यहां पर लिखा है बच्चों एरर, ये हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा डेल्टा ए का मीन, इसी को डेल्टा ए नाम से आगे जाकर बुलाया जाएगा। अब ये सारी बातें हैं वो आपको करनी है, ये हो जाएगा डेल्टा ए का मीन बराबर फर्स्ट बच्चे का एरर प्लस सेकेंड बच्चे का एरर, ऐसे करते करते जो लास्ट बच्चा होगा उसका हो जाएगा डेल्टा ए एन होल डिवाइड बाय बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एन, मतलब एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन सभी के साथ आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, मॉड लगा देना है, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है इसका एब्सोल्यूट एरर का। पहले अपन ने रीडिंग को ही क्या कर लिया बच्चों, मीन ले लिया, फिर उससे अपन ने कंपेयर करा लिया अलग अलग बच्चे की क्या गलती आई है, फिर उस अलग अलग बच्चे की गलतियों को भी मैंने मीन में कर दिया, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ए मीन आ गया। इसका मतलब है अगर मुझसे कोई बोलता है व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर अ मेजरमेंट, तो उसका मतलब होता है डेल्टा ए, और टेक्निकली उसका मतलब होता है डेल्टा ए का मीन, इससे सिंपल ए हो सकता है, याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजी चल रहा है बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर डालो, अभी हमको रिलेटिव और परसेंटेज दोनों कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो।
ऑल राइट बच्चों, आप सभी लोगों को अभी डेल्टा ए का जो मीन होता है इसके बारे में नॉलेज हो गया है, जिसका बेसिक मतलब था डेल्टा ए। और हर एक बच्चे का आपने बच्चों अलग अलग मेजरमेंट का एरर निकाला, उसका भी मीन ले लिया, तो हो जाएगा मीन मीन एब्सोल्यूट मीन एरर। ठीक है, बट ये तो खाली एरर आया, जो ऑब्जर्वेशन किया था वो कैसे आप नोट डाउन करोगे? तो वो अपनी थ्योरेटिकल लैंग्वेज अपन लिखते हैं। यहाँ अपन लिख सकते हो द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, द फाइनल ऑब्जर्वेशन, द फाइनल ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ध्यान दें सारे बच्चे, द फाइनल ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं बोलता था एल डैश का मतलब होता है एल प्लस माइनस डेल्टा ए, सोचो क्या बोल रहे हैं सर, होता था ना? तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर आ जाएगी कि आप लिखोगे सर जो आर्बिट्री क्वांटिटी के ऊपर डैश लगा मतलब उसको मेजर किया गया, इसे कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। ये हो जाएगा बच्चों आपका ए ऑफ मीन प्लस माइनस योर डेल्टा ए। इस डेल्टा ए को मॉड में लिखना मैंने बताया था, ये मैं अभी यहाँ जानबूझ के लिख रहा हूँ, बिकॉज इससे दो बातें सामने आती हैं कि एक बार तो ए डैश की वैल्यू हो सकती है बच्चों ए मीन, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा ए, और एक बार हो सकती है बच्चों इसकी वैल्यू ए मीन प्लस ऑफ डेल्टा ए। जैसा आपको बताया था ना मैंने मेजरमेंट करते वक्त वो राइट साइड भी जाएगा मतलब पॉजिटिव भी जाएगा और बच्चों नेगेटिव भी जाएगा, तो ये दो वैल्यूज के बीच में आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं ए मीन, या इसको बोल सकते हो ये रही बच्चों आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ये दो सिंबल लगा दो और मैथमेटिकली सब कुछ बच्चों आप सही से बैठता दिख रहा होगा। देखो अच्छे से यहां तक का आपको डेरिवेशन करके देना होगा अगर पूछता है व्हाट एग्जैक्टली इज एब्सोल्यूट एरर। तो चलो बच्चों फटाफट अपन रिलेटिव और परसेंटेज को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमसे बोलता है यहीं से टीचर कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो फटाफट देख लो बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लिखा हुआ है रिलेटिव एरर। किसी किसी बुक में आप सभी को इसको फ्रैक्शनल एरर्स के नाम से भी होगा, घबराना मत, ये दो बातें एग्जैक्टली इक्वल है, रिलेटिव एरर कहूं या परसेंट एरर कहूं बच्चों बराबर ही होगा वो। तो यूजुअली अपन ऐसे बात करते हैं ना कि इतने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, जैसे आजकल बच्चों के 17 मार्क्स आ रहे हैं 20 में से, या 19 आ गए बच्चों 20 में से, तो बेसिकली क्या हो रहा है मार्क्स का ही आप लोग रेशियो ले रहे हो। तो इस वाले जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हम फ्रैक्शन एरर क्या निकाल रहे हैं कि क्या फ्रैक्शन है हमारा एरर का, कितना आया एरर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। सो व्हाट वाज योर ओरिजिनल वैल्यू, आपको पता है बच्चों ये रही आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ये रहा आपका एरर। तो आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज सिंपल, इट इज, देखते जाओ मेरे साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट, क्या होगा बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बच्चों, इसको याद कर डालो, मतलब क्या एरर आया, किस में से आया, क्या मार्क्स आए थे, किस में से आए थे, ये तो बस एक एग्जांपल है, आपका आंसर हो जाएगा। हेंस द फ्रैक्शनल एरर शुड बी शुड लुक लाइक, बच्चों ये डेसिमल पॉइंट में आता है तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फ्रैक्शन एरर। देख लो आपको बोलना है डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या है बच्चों ट्रू वैल्यू है। इसको आपको बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट की लैंग्वेज में डेल्टा ए का जो मीन आया था डिवाइड बाय ए का जो मीन आया था, ये एक लाइन का आंसर होता है अगर आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। देखो अगर आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या है तो किसमें से आई है वो, अरे बना दो, ठीक है, थ्योरेटिकली ये बोलते हैं लेकिन जब न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो ये आप लगाना इस पूरे को डब्बे में डाल दो, ठीक है, और फ्रैक्शनल एरर है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फटाफट मैं आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, परसेंटेज एरर को देखते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले रिलेटिव पढ़ा या फ्रैक्शन एरर पढ़ा, तो लिख सकते हो बच्चों इफ द फ्रैक्शनल एरर, मेरे साथ साथ नोट कर लो, बड़ा ईजी है, वन लाइन डेफिनेशन है, इफ द फ्रैक्शनल एरर इज
एक्सप्रेस्ड एज, अगर आपने फ्रैक्शनल एरर को एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस इन परसेंटेज लिख लो, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा ये, एक्सप्रेस इन परसेंटेज, मतलब मैंने फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया, तो उसी को बच्चों बोलते हैं, इट इज़ नोन एज परसेंटेज एरर। देखो सिंपल सी बात है, बता देता हूँ, अगर आपसे बोलता है व्हाट एग्जैक्टली इज परसेंटेज एरर, तो जो भी बच्चों आपका फ्रैक्शनल एरर का टर्म आया है ना, मतलब डेल्टा ए बाय ए, मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, जो एरर आ रही है जिसमें से आ रही है बच्चों, ये वो वैल्यू लिखी हुई है, मल्टीप्लाई कर देना आप उसको 100 से, और एक्चुअली में क्या कर रहे हो गए आप डेल्टा ए का जो मीन आया है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, उसमें जो आपने नीचे ए मीन लिखा हुआ है बच्चों, मल्टीप्लाई मारना है आपको 100 से, ये एक्चुअल में करना है, ये थ्योरी में लिखना है। तो यहां बच्चों हम लोगों ने तीनों तरह के एरर्स पढ़ लिए हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। तो जब भी आपको कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों को डिराइव कर दो या तीनों का एक्सप्रेशन क्या है या इन पे बेस न्यूमेरिकल आ जाता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको उनकी मीन वैल्यू निकालनी होगी, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप बच्चों क्या निकालोगे आप लोग, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट या मीन एब्सोल्यूट एरर बताओगे, तो मैंने लिख दिया एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं बच्चों आपने ए मीन फाइंड करा, फिर हर एक बच्चे का इंडिविजुअल एरर निकाल के आपने उनका भी मीन फाइंड करा। जो थर्ड होता है बच्चों उसको कहते हैं फ्रैक्शन निकाला, तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब हो जाएगा जो डेल्टा ए का मीन आया है ना, किसमें से आया है, तो हो जाएगा ए का मीन में से आया है, और एट लास्ट क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज एरर के बारे में बात हो जाएगी। तो ये टर्म कॉपी कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, मैं भी लिखे देता हूँ, आप लोग एज इट इज बच्चों इसको नोट कर लो, तो ये हो जाएगा ए का मीन इंटू ये क्या हो जाएगा 100, क्लियर, ठीक है। अगली क्लास में इसके खूब सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और हम बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की तरफ। तो हमारा चैप्टर लगभग बच्चों एंडिंग पे आ चुका है, हमने डायमेंशंस, यूनिट्स सब पढ़ लिया है। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट्स में आप लिख दिया करो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, और फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो, इसके नोट्स बनाते चलो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जब आखिरी में आप इसको रिवाइज करोगे, आप चैप्टर प्रिपेयर करोगे एग्जाम्स के लिए। एंड माई नेम इज़ राज मौर्य, आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ये नोट कर लो पूरा।